मेरे लौंग दाली खाल डी हां हां मां प्यो फिर नक पा लिये निकी करा उतरा दी है तू हूं जवान हो गई है तेरे व्याह का बंदोबस्त करना है ना तू जो मेरा रिश्ता लभ ली नक पानी है ना व्याह तू अपना करा लेनी है ते मैं फिर उठे उठे बैठी रह जानी हूं कि मेरा की कसूर है मैं जिन्हों भी तेरा पीऊ बनानी हाँ पुफी सोनी है बच्चा पगल टंडोरा शहर में और रिश्ता तेरे सामने खलोता है तो तू ऐसे पागला धी का रिश्ता लगभग टुरता नहीं है साहबा दे दो बोल मेरे नाल पढ़ा अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह बुलावा मौलवी साहब नू बुलावा मौलवी साहब लावा जुत्ती तेरा भांडा बकवास ना कर कमीने आ वेदा साह मैं अपनी धी का रिश्ता करना कभी नहीं ना करा क्यों पुफी मैं कोई गैरत नहीं ना ताडा करीबी रिश्तेदार हां अल्लाह बख्शे तेरा पंजवा शौर मेरा पुफर सी क्यों ठीक है ना ठीक है फिर बुलावा मौलवी साहब ने छुरी है दम ले तू भुखा नंगा मैं अपनी धी का रिश्ता उठे करना है जिदे को जमीना जायदाद रुपए आदमी है पुरानी है जुत्ती है मेरे भांडे रमनपाल कोई पूछ ले दिल दा हाल ते तेनू हाल सुनावा रमनपाल दलील मेरी गल ना करी फेल क्यों गुफी चील क्यों काकी अबा बेल क्या दे फकत जमील गिर बलूसी नार कबला गिर बलूसी था रमनपाल ले गुफी मेरी जायदाद दे कागज संभाल ते अपने कुड़ी दी डोली तोड़ दे मेरे नाल वे तू मेरे नाल त्रोड़ी पिया करदा ए कागज तेरे ही ने ना फुफी मैं जे वंग जुतियां दा कारोबार नहीं करदा ओए वे तू चुप कर तू अपनी गल कर हां दे अगो सुन फुफी खानदानी बंदा वा नाना मर गया जायदाद छट गया साहेबे जायदाद हो गया ते हुण हुण फुफी साहेबे औलाद होण नूं दिल करदा ओए तू साहेबे औलाद नहीं हो सकदा ओए क्यों तेरी बेबे दाई है बकवास ना कर तू ही बकवास ना कर रे हाय 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 हुण मैनूं गल करन दी कोई जरूरत नहीं रमनपाल दलील तेरे नाल निबड़ेगा मेरा वकील ओए रमनपाल दलील तू बंदा बड़ा दलील मैं क्या पुफी एदा ना ही बांका इन्हें सब बनदा ही प्यार पैटांगा ओए लुच्चे लफंगे मार टंडे प्राणी है जुत्तियां नु मेरे पांडे चुप रह पक पक मर पुल पर चल उल मत कर आज जा कल फिर आ दस तक गिन तक गिन तक गिन तक गिन वाह वाह पुत्रा ओए मैं तन 100 लीटर मार के ना ते गिनांगा एक झूठे नजूमिया ओ पुफी एदे चज ना नाने दी जायदाद दा वारिस नहीं हूं ओए वसीयतनामा मौलवी साहब ने मेरे सामने पढ़िया ये लिखा है कि बांके का पुत्र ही इस जायदाद का वारस बन सकता है यह तो नहीं झूठा चौकीदार ही रहेगा खलीफा ठीक कहता बांकिया बिल्कुल ठीक पाऊंगा है खाला खैर जायदाद का वारस मेरा अल्लाह दिता ही होगा अल्लाह दिता तेरा होने वाला दो तरफ फुकी वेखना मैं वह ना अल्लाह दिता ही रखे तेन ये ना पसंद रमनपाल कितने चलिए परी जमाल हे बांके तेन यह गल कर दे शर्म नहीं आती आती है फुकी पर हाथ विखा के चली जाती ते पुत्रा जड़ा हाथ मैं तेन हूं विखावांगा याद ही करेगा मसलन ओए मेरे चूंदिया जी तेरा व्याह बनन नहीं हो सकता ओए टूटे छितर तेरा आखिरी फैसला बिल्कुल आखिरी फैसला रमन शाह वे पुत्र मरियो वे पुत्र मरो वे ती मेरी है तू तेरा व्याह का फैसला करने वाला कौन होंगे ए ले फिर अपनी जायदाद का कागज ते दफा दे इथों चलो निकल फौरन बाहर मैं ते पुफी दा रिश्तेदार भी हां ते नाले पैसेदार वे पुत्र मर तू चुप अपने पुरानी जुतियां ते नवे भांडे रोंदा रिश्तेदारी नु रमन फाल आ जा खलीफा मेरे नाल आ तेनू करा हलाल जा चुका मेरा माल चुको पास अच्छा पुफी बुरा हाल वालेकुम सलाम नांगे उतरे आ जाते ने हाय हाय नी मां तू ते बड़ी गलत गल कीती ओ की खलीफा ने तो जुटा मार के गुरु कढ़ना सी और बांकें तो नीशियां कढ़ना नी आ क्यों देखना मां मेरा मतलब ये वे कि बांके कोल ते जायदाद दे कागज ने ते एहो जे रिश्ता नसीबा नाल मिलदा हुंदा है गल ते तू ठीक आखी है धीए पर शिकार अथों निकल गए मां तू फिक्र ना कर मैं बानू केर कार के तेरे को लेवांगी ते बाकी गल तू आप कर ले बस ठीक है मैं ओदे मिन्नत तरला करके ओनू मना लवांगी ते ओदी जायदाद दे कागज मैं अपने कोल रख लवांगी
ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਪੜੇ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਰਮਲ ਫਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਚੰਦ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਕੰਨੜਾ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਲਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਂ ਜਾ ਲੈਣਾ। ਵਲੀਮਾ 16 ਨੂੰ ਆਹੋ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਮ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਛੇਜ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੈਰੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਫੀ ਜੀ ਆਖਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਦੇ। ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਮਲ ਫਾਲ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਲਗਨਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਂਕੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਸਭ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸਾਹਿਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਈਏ ਡੱਕ। ਜਲਦੀ ਨਾ ਡੱਕ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਡੱਕ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਂਗਾ ਡੱਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਐਨ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਨੇਹ ਇਰਾਦੇ ਦੇ। ਐ ਲੈ ਫੜ ਗਲਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਬੋਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਏ ਵੇ ਬਾਂਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਂਕ ਦੀਨ ਕਹੋ ਪਾਗਲ ਦੀ ਹੈ ਪੁਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਂਕਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੂਪ ਚੜੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ? ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੰਡਾਂਗੀ। ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਗੁੜ ਵੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੰਮਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨੱਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਕਾਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਆਖਾਂਗੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਿਆ
तुर फिटे मुई मेरे पुत्र का ना ना बगाल सीधी तरह ना लाओ चौधरी अल्लाह दिता जी अंदर आ जाओ लंघ आओ फुफी जी पर तीसरी मंजी किधर चुकी लैनी है बाहर की कनिया पहन रही है दस नहीं आ जा तू मंजी पर अच्छा 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 और मंजी लिया अच्छा अच्छा है समझ गया फुफी एदे उत्ते मेरा पुत्र अल्लाह दिता सौवेगा ना अल्लाह दिता नहीं एदे उत्ते मैं आप सौवांगी होश कर क्यों मंजी दी चूल पन्नी हूं पर तू किस हिसाब ही सौवेगी मैं दस नहीं किसी हिसाब ही सौवांगी ए फुफी जे तू धी दे कोल ही मंजी डाहनी सी ते मेरा एदा ब्याह क्यों किता सी मैं इतने नहीं हूं सौन देना चुक मंजी दबार निकल जा वे ओ शर्ता ने कागज नहीं पढ़िया पढ़िया और जी किथे लिखा कि तू बचकार मंजी डावेगी वे ओ तो ऐ तो लिखिया ना कि जो मैं कहूंगी ओ होएगा मारया गया जे गरीब दा बाल चुप करके सो जा नहीं तू भी मारे पया लो भी भराओ लगता मेरा पुत्र अल्लाह दिता कुछ ले छड़ देन अल्लाह दिते दे दो चार कुर्ते बना ला उतो गर्मियां आ रही हैं बह जा वे रमन फाल चंगी नहीं कीती साडे नाल अखां विच खुमार है दिल आवाज आ रही गिटिया विच बुखार है अल्लाह दिते दा इंतजार है पर फुफी फूफां बड़ी होशियार है फुफी जे तू मैनूं सौण दी इजाजत दे ते बच्चा तेरा ताबेदार है ते जा जाके अंदर सौ मार असीं तूं मना कीता ठीक है आहो उठ करमां बिस्तर बिछा मेरे पैर दबा ते सवाब कमा ले मैं अंदर तीन ग्रह बिछा आई हां तू जाके सौ सानू मावां तियां नूं हजे नींदर नहीं आई अजे नींदर नहीं आई नहीं आई तुहानू आवे किसे दी आई ये तेरा कख ना रवे रमन फाल तज मेरा बुरा हाल नी तू बड़े ढे होके भरनी है तैनू की तकलीफ है मां मैंने भी नींदर आ गई मैं भी जाके सो जा बह जा नहीं वड्डी है कालिए मैं कोई एडी पागल नहीं मैं तुहाडियां सारियां बोलियां समझनियां पर अपनी जान बचाना भी तो फर्ज है ना मेरी अखां विच अखां पा मेरे हाल ते रहम फरमा वे बांकिया वे मेरा ते दिल पिया धड़कदा है मेरा भी कलेजा पिया फड़कदा है साहिबा अज तेरी बेबे भी घर नहीं सानू किसी होर दा डर नहीं गल है वे कि हुण अल्लाह दित्ते दे बगैर जीना मुहाल है तेरा की ख्याल है मियां बीबी राजी की करेगी मासी वे मेरी मां मर जाएगी मेरी मां मर जाएगी इस जिंदा लाश का की बनेगा तू मैं मारना चाह नहीं फुफी अज ते अपने आप नु मार रहे हैं मैं क्या फुफी इन्नी छेती ते बंदे नु शर्म नहीं आंदी जिन्नी छेती तू आ जानी आखिर असि मियां बीबी है असि की करियो वे तेरा कख ना रहे किन्नू अपनी जान प्यारी नहीं तू मैं दसती है बिल्कुल ठीक है मां वो बेड़ा घर को भी फेर लैन बदल गई है जे मां दी हां जहां मिलानी सी ते मेरे नाल क्यों लड़ाई सी ए बहुतियां गल्लां ना कर शरारतनामे दे कागज नहीं पड़े शरारतनामा भी पड़िया ते हदायतनामा भी पड़िया फुफी फूफा दस मैं अमल किरे ते करा मेरी गल मने ना तू चुप करके सो जा चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम ए अच्छे नहीं उधर मार किसे ठीक ही किया बहन दे घर भरा वो भी कुत्ता ते भाईओ सहुरे दे घर जवाई वो भी मैं अल्लाह दिता नहीं मिल मेरा तो बुरा हाल है फुफी पर तुसी अज मैं बड़े चंगे लगते पे दिल कर दे थोड़ी जी जान कुर्बान कर दिया तो फुफी बे
बेवकूफ से सियाणियों बनाई जा ते तू तो आप चंगी भली सियाणी पर साडे ना गल्लां मैं क्या साहबा कितने गई जवान धी रात कल दिता है और जमाना भैड़ है मैं पिछे जावगा जिस वेले का काम खत्म होगा ना लैके आवाना जिस वेले भी काम खत्म होगा ना वो आप आ जाएगी तेरिया सारिया चार सौ रुपया मैं जान लिया घर आराम मैं जरूर जावगा अच्छा तो तू जरूर जानेगा हाँ मैं तेरा कर लेनी बंदोबस्त छेती ना कर रोटी का भी बंदोबस्त कर कल्या दस दस कैद विच बांका बाहर फुकी मुस्कुराए या अल्लाह इन मौत आए इस सजा विच फस गया बांकिया बांकिया कम बन गए खिड़की खुली आ चुप करके सीधा रानो दे घर पहुंच जाके कुड़ियां दी तरले मिंटा कर अपनी साहबा नूं कढ़ ते मिर्ज़े नूं किसे जंगल च डेरे ला रमन फाज दलील मेरी सास से बड़ी जलील अपने सिर नु टक माफ कर दो बुजुर्ग जा तन माफ किता तेरे नाल इंसाफ किता ते अपना रास्ता साफ किता कुड़िए जो कुछ पूछना है पूछ ले आज फकीर मौज जावे मैंने शर्म आती है बुजुर्ग जिनने की शर्म वो दे ठुटे गरम असियां बड़े गरम तुम्हें दिल नु कर ले नरम मेरे कोल आ कोल आएगी ते मुरादा पाएगी अगा हो जाती है तेरे पीवा बजाए पीवा बजा नहीं बजुर्गा बजावा ए ते चली इसे ले कली दुआ करो बुजुर्गो पांका बरी होके आ जा हाले बिला तू ना ले किस शैतान दा जड़ा बुजुर्गों दी इज्जत करनी नहीं जानता ओनू उम्र कैद दी सजा होवेगी हाँ मर गई ते तेरी जिंदगी तबाह होवेगी रमल फाल बलील शकील अमील बखील अकील परील माँ बांका आ गया बुजुर्ग बांका आ गया ओए मौत तेरा हाल सबा रमल फाल की दसम दिन जेल दा हाल है ए कौन बुढ़ा बाल फिर ठहर जा मैं तेन समझानी हाँ बोतियां ना कडानी हाँ बाबा जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम भूपी जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम पुत्र वे आ बैठ जा अच्छा जी बाबा जी माफ करना सुना पुत्र वे की हाल है तेरा की सुनावा मेरा यार नहीं आया नाल हुण ते कैद हो गई एक साल बांकिया किथे वे तू अरे तू बरी होके आया है ना ते होर मैं छुट्टी लै के आया ओ मैं बरी होके आया हुक्म अल्लाह दे नाल बांकिया मैं ते सुनया सी कि तैनू उमर कैद दी सजा हो गई ए गल तैनू केड़े औतरी दे पुत्र कमीने जलील शोध ने कही सी ए बुजुर्ग ही कहंदे ने अच्छा बुजुर्गा दिल ते ए करदे तेरियां दो गुत्तां करां पर अजे दो चार गल्लां करां ओए बदबख्ता मैनू पता तू जेल चो रिहा होके नहीं फरार होके आया तू बुजुर्गा उत्थे दरोगा लगा ओए मैं तैनू हुणे फड़वा दिया फड़वा देगा मैं तेरा मुगदर चुरा ले सुनो बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌੜ ਸਾਈਂ ਪੌੜ ਸਾਈਂ ਤੀਆਂ ਤੁੰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੂ ਹੱਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਡੱਕ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਕੱਟ ਪੁੱਤ ਕੱਟ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੜ ਲੈ ਦਾੜੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਹੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਅਰੇ ਫੜ ਲੈ ਹਾਂ ਹਾਂ माफ करे सुफी क्यों हुआ मेरे अल्लाह दी तेनू लेट करानी तेरा हाथ सी ओए खबरदार हो पाऊं गया जे तू हुण हाथ चुकया ते खून खराबा हो जाएगा खून खराबा दा पुत्र रमन फाल दलील पुत्रा अज ते मैं तेन होर करांगा दलील ओए की तू सुना हा फुफी चीन हुण विच मंजी डावेंगी नहीं पुत्रा मैनू माफ कर दे मैं तेनू माफ नहीं करना मैं ते तेनू कतल करना ना पुत्रा मैनू कतल ना कर ते फेर मैं तेनू थोड़ा जिहा जलील करना है बस थोड़ा जिहा कर लै बस ठीक है बांकिया क्यों सुबह दा पुलिया शाम नू घर आ जाना ते ओनू माफ कर दे नहीं साहिबा मैनू तेरी मां ते बड़ी गर्मी है ते जिन्नी देर तक मैं इस बगोल दा छिलका नहीं खावांगा नहीं लथनी मैं इस घर जी इक पल नहीं रहना घर जवाई बन के क्योंकि मेरी खैर जाग पई है जमीर सौ गया रमन फाल मैं ते ला देंगा तुहाडी खल ते ओहदा वड्डा गबाल मां नी मां नी हां हां नी ए ते सचमुच नाराज होके चला गई ए सब तेरा ही कसूर है मां मैनू आतम खतर नु की पता सी कि ओ खलीफा पांड्या वाला झूठा दरवेश बन के मैनू झूठियां पट्टियां पढ़ा देगा नी हुण की बनेगा ही सोच कुछ